नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों के साथ। यूपी के रामपुर में अनुसूचित वर्ग मोर्चा सम्मेलन में वाल्मीकि समाज के लोगों ने जमकर हंगामा काटा है। रामपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अनुसूचित वर्ग मोर्चा सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी के ही अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरनाथ वाल्मीकि ने समर्थकों के साथ जमकर हंगामा काटा। आपको बता दें कि लगातार मेहनत के बाद अपनी उपेक्षा से नाराज प्रत्याशी उनके पैर पकड़ते नजर आए हैं। वहीं इस हंगामा को बढ़ता देख हाथ पांव पकड़कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश भी की। काफी देर अफरा तफरी का माहौल होने पर हंगामा कर रहे वाल्मीकि नेता अमरनाथ वाल्मीकि के नाम के ही नारे लगाने लगे ताकि हंगामा रुक सके, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग जोरदार हंगामा करते रहे। इस दौरान रामपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता हंगामा कर रहे अमरनाथ वाल्मीकि के आगे हाथ पैर जोड़ते नजर आए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि ये परिवार का झगड़ा है, मन मुटाव हो जाते हैं। वहीं दलित समाज के लोग ही बीजेपी को सीट जिताएंगे। उधर जालौन में सड़क हादसे में एक महिला की मौत और लोगों के घायल होने से हड़कंप मच गया है। जालौन में एक सड़क हादसे में महिला की मौत और कई लोगों के घायल होने से हड़कंप मच गया। दरअसल घटना कोच कोतवाली के दोहर वाले हनुमान मंदिर के पास की है, जहां ऑटो चालक के जरिए बाइक सवार को साइड देने के चक्कर में ऑटो पलट गई, जिसमें 15 लोग सवार थे। ऑटो के पलटने से एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसकी सूचना राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं डॉक्टरों ने दो की हालत नाजुक होने के चलते जिला अस्पताल उरई के लिए रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि ये सभी मजदूर गाँव परैथा से फुलेला तिलहन की फसल काटने के लिए जा रहे थे। जा रहे थे काटन तिली, से मोटरसाइकिल आई तैसे आपको जा रही थी, बस बचा लगी सब पलट गई। तिली काटन जा रहे थे साहब मजदूरी पे, जग फुलेला 15 जने आते मोटरसाइकिल से। भाई साहब पता चला कि केलिया रोड पे एक टैक्सी में कुछ लोग आ रहे थे, तो वहाँ पलट गई है, तो उसमें 7-8 लोग घायल हुए हैं और एक महिला थी जो मृत अवस्था में अस्पताल में लाई गई थी, तो घायलों का इलाज डॉक्टर साहब ने किया है। 3 लोगों की थोड़ी फ्रैक्चर वगैरह है, तो उनको बाहर रेफर किया गया है। वहीं हाथरस में बिजली विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें इस लापरवाही के चलते 3 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। हाथरस जिले की कोतवाली सहपऊ क्षेत्र की ग्राम पंचायत धाधव में मजरा नगला चक्की में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आपको बता दें कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 3 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई। बिजली के पोल में करंट आने से भैंस पोल से चिपक गई, करंट लगने से 3 पशुओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं 3 पशुओं की मौत के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। वहीं हाथरस में एक किसान के खेत में आग लग गई। आपको बता दें किसान ने उस खेत में बाजरे की खेती कर रखी थी। हाथरस के कोतवाली चंदापा के एक गांव महमदपुर के रहने वाले एक किसान श्रीनिवास शर्मा का 3 बीघा खेत में आग लग गई। आपको बता दें कि खेत में किसान ने बाजरे की फसल उगाई थी। फसल की बाल कटाई के बाद जब किसान खेत पर पहुंचा तो किसान ने देखा जो बाजरे की फसल की बाल कटी हुई थी वो जलकर राख हो चुकी है। फसल का नुकसान देखकर किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसान के जरिए फसल के जल जाने की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली। वहीं किसान के खेत में लगी आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। वहीं यूपी के रामपुर में मानसिक रोगी और शारीरिक रोगों से ग्रस्त बच्चों का इलाज अब निःशुल्क किया जाएगा। यूपी के रामपुर में अब मानसिक रोगी और शारीरिक रोगों से ग्रस्त बच्चों का निशुल्क इलाज करने के लिए रामपुर के जिला अस्पताल में बनाए गए सेंटर का फीता काटकर जिला अधिकारी ने उद्घाटन किया और संक्रामक रोगों से बचने के लिए टिप्स भी दिए। साथ ही डीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। वहीं डीएम ने आयुष्मान से जुड़े कार्ड भी चेक किए, साथ ही केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी से बात की।
वहीं इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर सुबोध कुमार शर्मा, सीएमएस डॉक्टर मित्तल सहित अन्य डॉक्टर भी मौजूद रहे। वहीं डीएम ने दिव्यांग बच्चों और नेत्रहीनों को सर्टिफिकेट भी दिए। संचारी रोगों का इस समय चल रहा है, तो एक तो निरीक्षण का की वजह ये भी है कि हम ये देखें कि कितने सारे पेशेंट यहाँ पे उस कम्युनिकेबल डिजीज या संचारी रोग से पीड़ित होकर यहाँ पे आ रहे हैं, और उनके लिए क्या हॉस्पिटल में उतनी बेहतर व्यवस्था है। बहुत सारी शिकायतें भी आती हैं, तो उन शिकायतों में क्या सच्चाई है, फिर किस तरीके से हम पेशेंट्स की सुविधा बढ़ा सकते हैं, इवन डॉक्टर्स की कमी है उसको किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेके। वहीं बांदा में मनचलों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब उनको पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। जनपद में मनचलों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन मनचलों के जरिए कहीं रोड पर लड़कियां छेड़ी जाती हैं, तो कहीं घर पर आकर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया जाता है। इन मनचलों के हौसलों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे जिलों से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां गांव के ही एक मनचले ने सूना घर देख युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन युवती को हवस का शिकार बनाने में नाकाम मनचला युवक युवती को जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। लड़की के परिजन जब घर पहुंचे तब मामले की पूरी जानकारी परिजनों को दी गई, तो परिजन युवती को लेकर पुलिस थाना पहुंचे, जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां युवती का मेडिकल परीक्षण चल रहा है। लड़की है, उसके पिता ने, लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष है। ये घटना 7/10/2019 की है, 9:30 रात की जो उन्होंने तहरीर दी है लड़की के पिता ने। उन्होंने तहरीर ये दी है कि रात में ये घर में ये लड़का घुस गया अभियुक्त, और घुस करके छेड़खानी की, अश्लील हरकत किया, और तत्पश्चात जो है वो चला गया वहाँ से। जहाँ एक तरफ महिलाओं और बच्चियों के लिए योगी सरकार सख्त कानून बना रही है, वहीं दूसरी तरफ जालौन में योगी सरकार के ये सख्त कानून फेल होते नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं बच्चियों की सुरक्षा के लिए भले ही कितने दावे वादे ही क्यों ना कर ले, लेकिन उनकी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन उनके ये वादे जनपद जालौन में खोखले नजर होते आ रहे हैं। ताजा मामला जनपद जालौन के कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पड़री का है, जहां पर एक नाबालिग युवती के साथ गांव के ही युवक ने जबरन दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पड़री में नाबालिग लड़की के साथ कोतवाली पहुंचे पिता की तहरीर पर कोतवाली कोंच ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, और नाबालिग लड़की को मेडिकल चेकअप के लिए जिला अस्पताल उरई भेज दिया गया है। इसमें लड़की ने, जो कि नाबालिग है, उसने छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए उनके पिता ने तहरीर दी है, जिसको कि पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें 7/8 पॉक्सो लगी, 354 की धारा लगी है, और इसमें भी मेडिकल कराया जा रहा है लड़की का, और 164 के बयान करने के बाद जो अभियुक्त है अमित अहिरवार, जो कि वही पटरी गांव का रहने वाला है, पहुंचा, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।